हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर मार्केट के रिगार्डिंग देना चाहती हूँ कि अगर आपको पता करना है कि कोई भी अनाउंसमेंट कॉर्पोरेट सेक्शन से हुई है तो क्या हुई है, कहाँ पे आप उसे चेक कर सकते हो, कोई भी बोनस अनाउंसमेंट हुई है या फिर कंपनी ने कोई बड़ी डील करी, बल्क डील करी, या फिर उसके मीटिंग कब है, ये सारी चीज़ें आप पता कैसे कर सकते हो, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारा जो स्टॉक है वो आगे मूव करता है या फिर नीचे गिरता है। आगे उसमें या तो फिर वो बढ़ता है या फिर गिरता है, बुलिश होता है या फिर बियरिश होता है, किसी भी कंपनी के आगे की प्लान्स के से या उसकी मीटिंग से या फिर उसके आगे की जो भी अनाउंसमेंट होती है, उस वो अगर हमें पहले टाइम पे पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हमें शेयर में इन्वेस्ट करना है, होल्ड करना या फिर सेल करके निकल आना। तो आइए हम देखते हैं कि हम वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको NSE की वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे NSE टाइप करना होगा अपने सिस्टम में या फिर जहाँ भी आप सर्च कर रहे हो। NSE टाइप किया आपने, एंटर, ऊपर ही आपको मिल जाएगी NSE की वेबसाइट। वहाँ पे आप, ये आपकी NSE की वेबसाइट ओपन हो गई। इसमें आप नीचे आएंगे तो इसमें आपको शो करेगी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, ठीक है। तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के अंडर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जो भी अनाउंसमेंट कंपनी ने आज कर रखी हैं, जैसे कि ये सनोफाई इंडिया की लिमिटेड की तरफ से, सुप्रीम पेट्रोलियम की तरफ से अनाउंसमेंट है, HCL टेक्नोलॉजी की तरफ से जो अनाउंसमेंट है, जो भी मेजर अनाउंसमेंट होती हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। इधर आपको बोर्ड मीटिंग्स, कोई भी मीटिंग शेड्यूल्ड है या फिर आज हुई है तो वो आपको पता चल जाएगी। जैसे SMS लाइफ साइंसेस की मीटिंग की डेट 30 नवंबर ही शो कर रही है ना, 30 नवंबर जो है वहाँ पे मीटिंग होने वाली है इस कंपनी की तरफ से। ऐसे ही ये LGB फॉर्ज लिमिटेड या फिर नेक्स्ट कंपनी, ऐसे आपको यहाँ पे बोर्ड मीटिंग्स पता चल जाएंगी कब है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में ज़्यादातर क्या होता है, बोनस अनाउंसमेंट की डेट होती है, स्प्लिट की न्यूज़ होती है। तो अगर हम यहाँ पे रेगुलर चेक रखेंगे, अपनी नज़र रखेंगे इन साइट्स पे, तो हमें प्रॉपरली पता चलता रहता है कि होने के आगे प्लान हमें क्या बनाना, होने क्या वाला है कंपनी में एक्चुअली में, ठीक है। अब हमें कॉर्पोरेट एक्शंस यहाँ पे है, इसमें जाना है और इससे हमें पता चलेगा कि कंपनी ने क्या अनाउंस, क्या एक्शन आगे वो क्या प्लान करी। जैसे कि वो उसके अगर डिविडेंड इशू होने वाले, बोनस इशू होने वाले, तो वो यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना पड़ेगा और आपको मिल जाएगा। जैसे कि आज की डेट में यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इंटरिम डिविडेंड जो है वो अनाउंस कर रखा है, मतलब आज की डेट, आज एक्स डेट थी इसकी 24 नवंबर को और रिकॉर्ड डेट इसकी 25 नवंबर की, जिस जो 2.5 रुपये पर शेयर की है। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कहाँ पे ये होता है, कहाँ पे आपको बोनस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्प्लिट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई भी कोई भी कंपनी को अनाउंसमेंट करना है या फिर मीटिंग है उसकी AGM की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं और आपको प्री अपडेट खुद को कर सकते हैं कि मार्केट से पहले, न्यूज से पहले अगर आप खुद को प्री अपडेट करेंगे या तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि कोई भी एक्शन स्टॉक में आपकी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन की वजह से ही आपको एक्टिव रख सकता है, अगर आपको वहाँ पे होल्ड रखना है या फिर निकल आना, पुल आउट कर लेना खुद के मनी को। तो शेयर मार्केट में पैसा तो बनता है, पैसा तो आप इसमें गेन कर सकते हो, लेकिन सही टाइम पे कब इन्वेस्ट करना, कब पुल आउट करना, ये यही सही रणनीति अगर आपको बनाना सीख आ गई, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट आ गया, सही पॉइंट ऑफ टाइम पे चीज़ें पता चल गई, तो आप आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हो। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।